अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो आपके साथ। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। क्या अहमद शहजाद की हैरी ब्रोक की जगह PSL 8 में लाहौर कलंदर के लिए एंट्री होने जा रही है या नहीं, सीन क्या है, मुकम्मल तफसील से आपके साथ ये अपडेट शेयर करूंगा। इसके अलावा कामरान अकमल और मोहम्मद हफीज का इंतजार जरूर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, ठान कर बैठे हैं कि भाई PSL खेलेंगे तो हर हाल में खेलेंगे, तो इनका क्या सीन है, तो इस हवाले से भी आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी हैरी ब्रोक और अहमद शहजाद की। हैरी ब्रोक ठहरा एक फॉरेन प्लेयर, अहमद शहजाद एक लोकल प्लेयर है। क्या लोकल प्लेयर के मुतबादल एक फॉरेन प्लेयर को लिया जा सकता है? अगर आपके फॉरेन प्लेयर जो सिक्स होते हैं वो अगर आपके सिक्स यानी कि पूरे हैं तो आप लोकल के बदले में फॉरेन नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके फॉरेन प्लेयर जो वो कम है तो आप फॉरेन के बदले एक लोकल प्लेयर ले सकते हैं। यानी कि अगर 5 फॉरेन भी आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, एक लोकल भी आप ले सकते हैं। तो ये सीन आपको यहां पर क्लियर हो गया। तो अहमद शहजाद की पॉसिबिलिटी इस वजह से बन रही है क्योंकि हैरी ब्रोक जो है वो सिर्फ वो लाहौर कलंदर को 1 या 2 मैचेस के लिए अवेलेबल रहेगा PSL 8 में। क्यों रहेगा? क्योंकि इंग्लैंड के लिए मौजूदा वक्त में हैरी ब्रोक तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लैंड की टीम को, तो यानी कि 1-2 मैचेस के लिए लाहौर कलंदर उनका इंतजार क्यों करे। बेस्ट चॉइस उनके लिए या बेस्ट ऑप्शन रही है यही है कि उसके मुतबादल खिलाड़ी का वो फैसला करे, उसके मुतबादल खिलाड़ी को ले लें, तो ये लाहौर कलंदर के लिए जी बेहतर ऑप्शन रहेगा। लेकिन देखते हैं कि कलंदर ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी भाई बहुत ही ज्यादा मसरूफियात है। हैरी ब्रोक की वाहिद वो ऐसा प्लेयर है PSL के लिए जो पिक हुआ है, जो टेस्ट भी खेलता है अपनी कंट्री के लिए, तो ये मसला है लाहौर कलंदर का। लेट्स ही देखना है कि वो ब्रोक का 1-2 मैचेस के लिए भी इंतजार करते हैं या उसकी रिप्लेसमेंट अनाउंस करते हैं। रहा सवाल इसके अलावा हफीज और कामरान अकमल का, तो वो भाई नजर जमा के बैठे, दोनों की स्टेटमेंट आई है कि जी PSL खेलना चाहते थे, अब भी यानी कि ख्वाहिश है कि PSL खेलें, यानी कि अपने मुल्क के लिए कोई क्यों नहीं खेलना चाहेगा। तो उनका यानी कि क्लियर ये डिसीजन है कि भाई हम PSL खेलना चाहते हैं, अभी भी अगर कोई पॉसिबिलिटीज बनी तो मौका मिला तो खेलेंगे PSL, तो यानी कि उनकी उम्मीदें अभी भी कायम है। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना।